नमस्कार दोस्तों, ज्योतिष हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ आचार्य पंडित गिरीश बारोलिया के चैनल में आपका स्वागत है। कृपया हमें अपना स्नेह व सहयोग प्रदान करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें, साथ ही अपने आत्मीय जनों के साथ इसे अधिक से अधिक शेयर करें। आपका जीवन मंगलमय हो, लाइक करें, शेयर करें। आचार्य पंडित गिरीश बारोलिया, ज्योतिष हस्तरेखा एवं वास्तु चैनल। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। नमस्कार, मैं आचार्य पंडित गिरीश बारोलिया, गायत्री महामंत्र। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः, तस्मै श्रीगुरवे नमः। मित्रों, क्या आप लोगों को ऐसा लगता है कि आपके परिवार में किसी ने तंत्र इत्यादि का प्रयोग किया हुआ है, या आपको इस प्रकार से अनुभव होता है कि आपके घर को किसी ने बांध दिया है, किसी की बुरी नज़र लग गई है, आपके घर में कोई हमेशा बीमार रहता है, व्यापार चलता हुआ बंद हो जाता है, घर में हमेशा ग्रह कलेश बना रहता है, तो आपके लिए इस प्रकार की अनुभूति हो रही है, आपको इस प्रकार से लग रहा है कि किसी ने कुछ कर तो नहीं दिया हमारे घर में, तो उसके लिए हम एक बहुत छोटा सा उपाय आपको लेकर के आए हैं। ऐसे हमारे चैनल पर आपको तंत्र से संबंधित बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे जो हमने उपाय डाले हुए हैं, लेकिन आज जो हम उपाय आपको बताने के लिए जा रहे हैं वो आपको कहीं मिलेगा नहीं। जो गुरुदेव की प्रेरणा से हमने उसको शोधित किया है, उस उपाय को आज हम आपको बताने के लिए जा रहे हैं। आपको करना क्या है, इस उपाय को आपको रविवार से लेकर के शनिवार तक करना है, यानी पूरे 7 दिन तक आपको करना है। प्रत्येक दिन आपको प्रातःकाल सूर्योदय के पहले आपको सोकर के उठना है और अपनी पूजा स्थली पर बैठ करके एक घी का दीपक जला लें और एक कटोरी में आप शुद्ध जल भर लें। उसमें आपको सामग्री में क्या डालना है, 7 बूंद आप उसमें गंगा जल की टपका लें, 7 चुटकी यानी 7 चुटकी उसमें काली तिल डाल दें और 7 काले उड़द के दाने उसमें डाल दें। 21 दाने जो है आप पीली सरसों के, जो छोटे 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 दाने होते हैं पीली सरसों के, आप उसमें 21 दाने डाल दें। इसके बाद उसको मध्यमा उंगली से एंटी क्लॉकवाइज आप उसको घुमा दें। इस प्रकार से एंटी क्लॉकवाइज घुमाने के बाद में आप उसे वहाँ रख दें और एक माला गायत्री मंत्र का आप जाप कर लें। एक माला गायत्री मंत्र का जाप करने के पश्चात में जब आपकी पूजन समाप्त हो जाए, उसके पश्चात में आप उस कटोरी को ले जाकर के अपने छत के ऊपर पर जाएं और पूर्व दिशा की ओर मुंह करके उसको धीरे धीरे, जिस प्रकार से अपन अर्घ देते हैं, धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा छोड़ते हुए पूरे मकान के चारों तरफ उसको छोड़ देना है और उस समय छोड़ते समय आपको गायत्री मंत्र का जाप करते जाना है। फिर शेष बची हुई सामग्री को आप वहीं जहाँ से आपने पूर्व दिशा से चालू किया था वहीं आकर के बाकी सामग्री को आप शेष को उसी को निकाल करके वहीं पे छोड़ दीजिएगा। अब जो लोग फ्लैट में रहते हैं उनके साथ ये समस्या आएगी कि वो छत पर कैसे जाए, जिनका इंडिविजुअल छत नहीं है, तो वो क्या काम करें, पूजा समाप्त होने के पश्चात में एक पात्र रख लें बड़ा सा और उसके चारों तरफ घूमते हुए पूर्व दिशा से चालू करें और चारों तरफ घूमते हुए उस पात्र में थोड़ा थोड़ा जल छोड़ते जाएँ और आप उसका 1 राउंड लगाएं और उसके पश्चात में शेष सामग्री को उसमें डाल दें। फिर उस सामग्री को, उस जल को ले जा करके किसी झाड़ के पास में छोड़ दें जहाँ किसी के पैर इत्यादि ना लगे, ऐसी जगह पर आप उस जल को छोड़ दें। यह प्रयोग आपको 7 दिन तक करना है, यानी रविवार से प्रारंभ करना और शनिवार तक आपको इस प्रयोग को करना है। तो उसके पश्चात में आप पाएंगे कि आपके घर में किसी प्रकार की कोई भी नेगेटिव एनर्जी थी, यदि किसी ने कुछ कर दिया था, तो वो तंत्र मंत्र की जो प्रभाव है वो पूर्ण रूप से आपका खत्म हो जाएगा। इस प्रयोग को आप एक बार करके जरूर देखें, क्योंकि बहुत दिनों से हमारे पास में इस प्रकार के कई केस आ रहे थे, हमने फिर उनको यह उपाय बताया तो उनको इसमें काफ़ी फायदा उन्होंने
महसूस किया है। तो आप भी इसको एक बार उपाय करके देखिए, इसमें आपका कोई पैसा तो लगना नहीं है, बस आपको उपाय करना है। हाँ, एक चीज़ ज़रूर आपको ध्यान रखना है कि इन 7 दिनों में आपको किसी भी प्रकार का कोई भी मांस का सेवन नहीं करना है। यदि आप मांस इत्यादि खाते हैं तो उसका आपको सेवन नहीं करना है, बस ये आपको सावधानी रखना है। तो फिर निश्चित रूप से यह उपाय आपके लिए बहुत जल्दी फलित होगा। तो इन्हीं कामनाओं के साथ मित्रों, कि आपका दिन मंगलमय हो, आप लोग खुश रहें, मस्त रहें, माँ गायत्री का सीम कृपा इसी प्रकार आप ऊपर बनी रहे, हमें आज्ञा दें। नमस्कार, शांति।